हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू में मैं करने वाली हूँ रिव्यू ये एज परफेक्ट फाउंडेशन, जो मैंने अर्लियर भी बात की थी। और ये फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको पहले बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गोल्डन सन नंबर 80। और इस फाउंडेशन के बारे में क्या बताऊँ, ये एज्ड लोगों के लिए स्पेशली बना है, क्योंकि ये आपकी फाइन लाइन्स में भरता नहीं है। और इसमें ये एक रेडियंट सिरम फाउंडेशन है, सारी स्किन टोन्स के लिए अच्छा है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सिरम्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरा है। और इस ये फाउंडेशन कहता है कि वो फ्लॉलेस कवरेज देता है, इवन करता है आपके स्किन टोन को, स्मूथ करता है विदाउट सेटिंग इन योर लाइंस। और एक साल में एक्सपायर होता है। इसकी शेड रेंज काफ़ी अच्छी है, प्राइस पॉइंट से भी अच्छा है। 1299 में है ये वॉलमार्ट में, आप वॉलमार्ट शॉपर्स या किसी भी और ड्रग स्टोर से खरीद सकते हैं। सो इस फाउंडेशन पे हम रिव्यू करने वाले हैं। यही फाउंडेशन मैंने अभी अपने चेहरे पे पहना है। और या कोई दोस्त कहेंगे कि फाउंडेशन पहना नहीं जाता, लगाया जाता है। सो मैं आपको बोल दूँ कि मुझे पहनना ही बोलना अच्छा लगता है, सॉरी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि दिस इज़ द वन आई एम वेयरिंग राइट नाउ, सो वेयरिंग इज़ पहनना। सो मुझे लगता है कि पहनना मेनू मज़ेदार लग रहा, कंफर्टेबल लग रहा पहनना बोलना। तो अगर आप इसका रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। पर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें और मुझे प्यार करें और जो भी करना चाहते हैं वो करें। और या वीडियो को देखते रहें। ओके, सो अभी हमारी स्किन पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा है, जो कि ओरिजिन की जिनसिंग मॉइस्चराइजर है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, और मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है शिशिडो का, 50 SPF है इसका। और ये स्टिक है क्लेयर स्टिक, इसे लगाने से मुझे मज़ा आता है। और ये बहुत आसान है क्योंकि क्लियर है, सो इसकी कोई कास्ट, वाइट कास्ट नहीं होती है चेहरे पे, सो दैट्स गुड। इसे मैं हर फेस पे लगा रही थी, ऑलरेडी मैंने लगा लिया। प्राइमर के लिए कुछ भी लगा, सो आजकल मैं ये एल्फ का पट्टी प्राइमर लगा रही हूँ। अगर आपको इस पे रिव्यू जानना है तो बताना, मुझे पता नहीं कि अभी मुझे कैसा लगा, तो कुछ दिन और ट्राई करूँगी और फिर आपके लिए रिव्यू करूँगी। सो इसे मैं मेरे पोर्स वाले एरिया पर लगा लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर अच्छी अमाउंट में स्कार्स हैं, लाइक चंगी अमाउंट में, कोई भी स्कार्स में टेल नहीं है। सो दे आर देयर सेइंग हेलो टू एवरीबॉडी। एंड या उसके बिना मेरी स्किन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी स्किन कैसी है इस समय, पर ये स्कार्स जाते जाते जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा इसको। सो मैं निकालने से पहले इसको थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। एंड देन हम लेंगे हमारे बैक हैंड पे, यस, एंड इसे हम ब्रश पे लेके सारे चेहरे पे इवनली स्प्रेड कर लेंगे सबसे। सो उसके लिए ये मैं डेंस सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्रांड मिनिसो से है। सो इसको लूँगी मैं और चेहरे पे लगाऊंगी। सो मैं लगाना यूजली स्कार वाले एरिया से शुरू करती हूँ। सो अगर इसकी फिनिश थोड़ी कम भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हम कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके चेहरे पे कोई स्कार्स नहीं है तो आपके लिए शायद ये इसकी कवरेज बेस्ट होगी, स्पेशली एवरीडे यूज़ के लिए। इसमें स्मेल ऐसी आ रही है जैसे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं मेरी स्किन पे, लाइक सीरम्स जैसी। मैच तो नॉट बैड है, अनलेस ऑक्सीडाइज नहीं करे तो। सो अब मैं ब्रश के साथ इसको डैबिंग मोशन में सारे चेहरे पे ब्लेंड करने वाली हूँ। सी इस एरिया में कोई स्कार नहीं है तो इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, रेडियंट लगनी शुरू होगी स्किन। सो मैं स्कार्स वाले एरिया में सबसे बाद में ब्लेंड करूँगी, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, अदरवाइज यू नो रब हो जाता है वहाँ से। एक लेयर लगा ली है हमने, एक लेयर के हिसाब से कवरेज नॉट बैड है। स्कार्स काफ़ी हद तक छुप गए हैं, पर मुझे दिख रहे हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। पर अब हम कंसीलर यूज़ करेंगे स्कार्स वाले एरिया में। जो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी एज परफेक्ट कंसीलर है। जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 250 कैरमल। ये जो शेड है हाइलाइटनिंग के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ स्कार्स के लिए अच्छा है। सो इसे मैं थोड़ी सी अमाउंट में मेरे स्कार्स पर लगाऊंगी। इसको लगा के भी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही लिक्विडी सा कंसीलर है, जो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिन दोस्तों के स्किन ड्राई है उन्हें ये फीलिंग बहुत अच्छी लगेगी। वैसे ये कोई भी स्किन वाले दोस्त यूज़ कर सकते हैं, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल। अगर आपको रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए सो ये उस किस्म की फिनिश देता है। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। सो ये स्कार्स वाले एरिया पे हम कंसीलर को करेंगे सेट। या काफ़ी हद तक हमारा स्कार्स कवर हो चुके हैं। सो मैं वैसे कवरेज से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। मुझे लगता था कि इसकी कवरेज बीबी क्रीम जैसी होगी, कि बिल्कुल भी कवर नहीं होंगे मेरे स्कार्स। मेरे स्कार्स काफ़ी ख़तरनाक किस्म के हैं, वो किसी भी चीज़ से आसानी से छुपते नहीं हैं, क्योंकि वो काफ़ी डार्क हैं। सो वो बहुत दिखते ही रहते हैं। अभी भी ऐसी कवरेज नहीं है कि वो बिल्कुल वैनिश हो गए हैं, वो दिख रहे हैं, पर फिर भी बहुत अच्छी कवरेज है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरे चेहरे को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, नन्ना सा, लाइक बहुत ही कम। इसलिए मैं मेबलिन का डार्क इरेजर करूँगी यूज़, शेड है न्यूट्रलाइज़र। सो उसे मेरी
अंडर आईज पे कर लेंगे और थोड़ा सा इस एरिया में। ये कंसीलर को मेरे चेहरे पे स्लाइड करना बहुत ही आसान हो रहा है क्योंकि ये जो मैंने लगाया है फाउंडेशन बहुत ही हाइड्रेटिंग फील हो रहा है स्किन पे। सो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है शायद उनको ये फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि हमारी स्किन ही इतना ऑयल छोड़ती है। सो फार मुझे ये फाउंडेशन अच्छा लग रहा है। जब आप पहली बार कुछ अपने चेहरे पे यूज़ करते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ये आपके लिए है या नहीं। सो मुझे सो फार ये फीलिंग अच्छी लग रही है और ब्लेंड करना आसान है, फाइन लाइंस में भर तो नहीं रहा है। बुढ़े हो रहे हम यार और हमारी चीज़ें फाइन लाइंस में भरती हैं। ये चीज़ें आप पहले सोचते नहीं हो जब आपकी स्किन अच्छी ग्लोइंग है, पर लेटर आपको ये चीज़ें नोटिस होती हैं कि यार जो लाइनें नहीं दिख रही थी वो भी दिख रही हैं। यार आई लाइक यार। तो इसको लगाते ही हम सेट नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसको रहने देंगे और लेटर सेट करेंगे, अदरवाइज फेस हमारा केकी हो जाएगा। क्योंकि तब तक हम ये अंडर आई कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं। सो मैं यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, डर्मा ब्लेंड का लूज पाउडर जो है ट्रांसलूसेंट। इसे मैं यूज़ करूँगी अंडर आईज के लिए और चिक बोन्स के अंडर। अच्छी अमाउंट में यूज़ करूँगी मैं क्योंकि मैं थोड़ा बेक करना चाहती हूँ। सो मुझे सो फार जो फील हुआ है वो ये है कि शायद ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले दोस्तों के लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली फिनिश दे रहा है। मुझे ऐसी फिनिश चलती है क्योंकि मेरी स्किन पे ऑयल दिखता नहीं है इतना ज़्यादा, समटाइम दिखता भी है, हर टाइम ऐसे नहीं होता है। सो मैं बड़ा सा फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और मैं मेरे बाकी फेस को सेट करूँगी निक्स के नो फिल्टर पाउडर के साथ। अच्छी अमाउंट में लूँगी। अब मुझे लगता है कि फाउंडेशन सेट हो चुका है। सो इसे हम सेट करने के बाद काफ़ी मैट सा हो चुका है अब ये। अब थोड़ा सा मेरे फेस को कॉन्ट्रोल कर लेते हैं सिटी ब्राउन्जर मेबलिन के साथ, पाउडर के साथ ही। ब्लश के लिए भी मैं लॉरियल का एज परफेक्ट ब्लश यूज़ कर रही हूँ जिसके शेड का नाम है, क्या नाम है इसका, रोजवुड। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है और इसमें ज़्यादा कोई शाइन भी नहीं है क्योंकि मुझे शाइनी ब्लशेस बहुत अच्छे नहीं लगते, बट थोड़ी सी शाइन है, बिल्कुल मैट भी नहीं है क्योंकि जो शाइनी ब्रश है वो मेरे पोर्स को और चमका देते हैं। तो अच्छे अमाउंट लूँगी मैं इसकी और मेरे एप्पल्स पे लगाऊंगी। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर द टॉप ब्लश नहीं है पर अच्छा शेड देता है आपको, लाइक आपके चीक्स को ब्लशी बना देता है। सो ब्राउन स्किन वाले दोस्तों के लिए अच्छा है ये। जो हमने यहाँ पे पाउडर लगाया था उसे रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली मेरी स्किन फेस हेयर रिमूव करने वाले हैं, जब वो नहीं होते हैं तो फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेसली लगता है। इस बारी मैंने उन्हें उसको इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। सो फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन है, हमें सिर्फ हाइलाइटर लगाना है, पर उससे पहले मैं करूँगी आई मेकअप। सो आई मेकअप करने के बाद मैं जल्दी से वापस आती हूँ तो हम बातचीत करेंगे इस फाउंडेशन के बारे में अ लिटिल बिट मोर। ओके आई एम अपसेट, फाउंडेशन की वजह से नहीं क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें की और मेरा कैमरा बंद हो चुका था, सारियाँ गल्लां कर दी रहेगी मैं और रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी। मैंने पता भी नहीं मैंने क्या क्या कहा था, दोबारा से करना पड़ेगा यार, दिस इज सो बैड। सो आई मेकअप करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ। मैंने मेरे फेस को स्प्रे भी कर लिया है जो कि शूट नहीं हुआ फॉर श्योर। मैंने यूज़ की है मेबलिन की लास्टिंग फिक्स स्प्रे। कोई पूछ रहा था कि मेरी स्किन ड्राई है ये मेरे लिए अच्छी होगी, ये आपके लिए भी अच्छी है, ये सारी स्किन के लिए अच्छी है। सो आपकी स्किन को बहुत मैट या ऐसे कोई ड्राई नहीं करती है, ये आपके लिए अच्छी ही होगी, ट्राई कर लें। सो मेरे लिप्स पर मैंने लिपस्टिक यूज़ की है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक जिसके शेड का नाम है रेबल रोज। और ये आई मेकअप लुक की भी मैंने वीडियो शूट की है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज किया है। वो इसलिए चेंज किया मैंने क्योंकि जो पहली पिक्चर थी वो काफ़ी पुरानी थी और मुझे लग रहा था कि मैं अब वैसी दिखती नहीं हूँ। सो मैंने लेटेस्ट पिक्चर डाली जिसमें मेरा ये वाला मेकअप है। एक्चुअली उसको भी मैंने शूट किया था पर वो बेचारी वीडियो मुझसे अच्छी नहीं बनी, लाइक मैं हैप्पी नहीं हुई तो वो बेचारी कभी भी मेन स्ट्रीम पर आ नहीं पाई। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि उनको ये पिंक लुक अच्छी लगी क्योंकि यूजली मैं ब्राउन पहनती हूँ, तो जब मैंने पिंक पहना तो उन्हें अच्छा लगा, तो वो बोल रहे थे कि मैं रिक्रिएट करूँ। ये बहुत ही इजी सी लुक है जो आप पार्टीज में पहन सकते हैं। आई डोंट नो ये पिंक के साथ हम इंडियंस का क्या रिलेशन है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, लुक को बहुत डिस्कस कर लिया हमने मैं। सो या ये वीडियो ऑलरेडी अप होगी, अगर होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो या दैट्स मोक द स्टोरी अबाउट माई लुक। सो वापस आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आपको इसकी फिनिश देख सकते हैं कितनी रेडियंट एंड ग्लोई लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है जो कि है नहीं। और अदर चीज़ है कि इस फाउंडेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ कि इतनी अच्छी कवरेज इतने पतले फाउंडेशन ने दे दी। कई बार हम कितना थिक फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो भी इतनी अच्छी कवरेज देता नहीं है, लाइक सिर्फ वन लेयर ने मेरे स्कार्स को कितनी अच्छी तरह छुपा दिया, आई कांट बिलीव इट।
सो आई एम वेरी हैप्पी. पर उसके बाद मैंने कंसीलर भी यूज़ किया था, पर एक लेयर ने ही काफ़ी अच्छी कवरेज दे दी. अगर आपकी स्किन पे स्कार्स कम है या आपको सिर्फ थोड़ी सी यू नो इवन टोन चाहिए चेहरे के लिए, ये परफेक्ट फाउंडेशन है, क्योंकि कितना लाइट है आपकी स्किन को हेल्दी सी लुक देता है. तो अगर एवरी डे के लिए आप चाहते हैं तो ज़रूर से ये ट्राई कर सकते हैं. मेरी तरफ से काफ़ी बिग ये है. अलग कलर मैच देखें, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ मेरे चेहरे पर, मेरे स्किन और मेरे गले से कितना मैच कर रहा है. मैंने गले तक तो इसको ड्रैग किया नहीं, पर या आई एम वेरी हैप्पी विद द कलर, और ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी. और अब मुझे मेकअप पहने काफ़ी समय ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि मेरी आई शूट करके मैं नीचे चली गई थी और वापस आके मैंने शूट किया, वो भी शूट नहीं हुआ, मेरी बैटरी डाई हो गई थी, उसको चार्ज करने के लिए भी वेट की. सो या काफ़ी अच्छी फिनिश है. जैसे वो मेबलिन का ट्राई करते ही मेरे दिल से उतर गया था, मुझे लगा था दोबारा नहीं मैं कर सकती हूँ, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. क्योंकि ओके फॉर सम रीजंस कैमरा फिर बंद हो गया था, कहाँ पे थी मैं भूल चुकी हूँ. ओके सो शुरुआत करते हैं फिर से फाउंडेशन पे. बिकेज ये एज्ड लोगों के लिए स्पेशली बना है, तो ये आपकी फाइन लाइंस में भरता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीरम्स हैं. तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्किन पे काफ़ी टेक्सचर है. अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर है आपको अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन. और इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है कि, और प्राइस पॉइंट से भी बहुत अच्छा है. आई थिंक 1299 में है ये. सो या ये है फाउंडेशन का रिव्यू. फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा, मैं दोबारा भी यूज़ करने वाली हूँ. अगर आप समझने जो नया फाउंडेशन ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं और समथिंग लाइट और स्टिल आपको कवरेज दे, तो आप ये फाउंडेशन जरूर से ट्राई कर सकते हैं. फाउंडेशन के बारे में और क्या बताना चाहूंगी, अच्छा ही लगा है और एक्सपायर होता है 12 मंथ्स में. यस, गुड फाउंडेशन है. सो या आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा. अगर किया है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल को क्लिक करें, सोशल मीडिया पे फॉलो करें. अगर आप मेकअप से रिलेटेड और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बार में बताएं, मैं जरूर ही उस पर वीडियो बनाऊंगी. मुझे मेकअप वीडियोज बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेकअप इज माई फर्स्ट लव. So that's it. I'm gonna see you in my next one. Do not forget, guys, you're beautiful just the way you are. Stay happy, confident, and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. Bye, lalu.